क्या आप SSC के एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन तरह के प्रश्नों को सोल्व कीजिए। जितना कम टाइम लगाएंगे, सिलेक्शन आपके उतने ही नजदीक आता जाएगा। पॉज कीजिए वीडियो को और सोल्व कीजिए। यदि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 9,450 रुपए है, तो 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उस राशि का वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ऑप्शन दिए हैं 12,345 रुपए 20 पैसे, 6,520 रुपए 50 पैसे, 10,127 रुपए और 12,040 पैसे। अब 3 वर्ष में 7% वार्षिक दर से जो साधारण ब्याज होगा, वो 3 वर्ष में हो जाएगा 21%, और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा वार्षिक संयोजित 7% वार्षिक दर से 14% प्लस में 7² / 100 49.49%। ये जो वैल्यू है ये आएगी, 21% की वैल्यू दी है 9,450 रुपए। हमने 14.49% की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम ऑप्शन देखते हैं तो 21% की वैल्यू 9,450 रुपए है, तो क्या 14.49 की वैल्यू 9,450 से ज्यादा हो सकती है? ऑप्शन देखा ए, तो ए नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बचता बी, यही हमारा आंसर होगा। अब कितना होगा ये देखना है। पहले इसके 1% की वैल्यू निकाल लो, तो इसकी 1% की वैल्यू होगी 21 से भाग कर दो 9,450 को, तो 21 × 4 = 84, 10 बच गए, 21 × 5 = 105 और 0, 450 रुपए। 1% 450 है, तो 10% 45 रुपए हो जाएंगे। 4% निकालना है, 14% करना है, 10% का तो होगा ये, 4% की ओर निकालनी है, 1% 450 है, तो 2% 900 होगा और 4% उसका डबल 1800 रुपए हो जाएगा। 14% की हो गई। अब हमने आधा परसेंट की वैल्यू निकालेंगे इसके, तो 225 होती है, 0.01 कम है, तो 0.1% होता है 45, तो 0.01 होता है 4 रुपए 50 पैसे, तो इसमें से 4 रुपए 50 पैसे कम कर देंगे, तो इसमें से करो 4 रुपए 50 पैसे कम करेंगे तो ये हो जाएगा 220 रुपए 50 पैसे। अब इनका जोड़ कर दो, इनका जोड़ करोगे तो आ जाएगा 0, 5 और 0 और 2 और 8, 2 10 5 15 और 4 1 5 6, ये हमारे एक्चुअल हो जाएगी 6,520 रुपए 50 पैसे, ये एक्चुअल है। पर एक्चुअल निकालने की जरूरत तो नहीं थी दोस्तों, हमारा तो काम पहले ही चल रहा था। कितना, एक बैक करके देख लो भाई, 6,520 रुपए ही तो आने थे, क्यों इतना झंझट करना था हमें? हमने देखा कि 21% की वैल्यू 9,450 रुपए है, तो 14% की वैल्यू है वो कमी होगी, ठीक है। ओके दोस्तों, Thank you.